Assalamu alaikum. I welcome you all in another lecture of Thermodynamics 1. In the previous class, we were discussing about different. We were discussing about specific heat and हमने कुछ relations discuss किए थे specific heat calculation के. उसमें मुख्तलिफ methods थे. उससे पहले हम basically closed systems को discuss कर रहे थे. And now at the end of this chapter, we will be discussing some numericals. Although we discussed some numericals during the lectures. सो इंशाल्लाह इस क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड राइट सो लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दिस प्रॉब्लम सेज दैट एन इंसुलेटेड टैंक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट बाय अ पार्टीशन सॉरी या एक्चुअली इसके अपन न्यूमेरिकल लेट्स फाइंड इट So the question says a mass of 15 kg of air in a piston cylinder device is heated from 25 to 77 degrees Celsius by passing through a resistance heater inside the cylinder right okay so what we have got here 15 kg air hai hamare paas working substance air hai piston cylinder device which means it will do some work boundary work karega ye it tends to increase the volume or decrease the volume since there is a piston and it is 15 kg air in the piston cylinder device is heated from 25 degrees celsius to 77 degrees celsius which is mein temperature ka change aaya passing through a resistance heater inside the cylinder उस सिलेंडर में आपने रेजिस्टेंस हीटर डाला हुआ है और दैट रेजिस्टेंस हीटर इज बेसिकली ट्रांसफरिंग सम एनर्जी इनटू द सिलेंडर व्हिच हैज 15 केजी ऑफ एयर द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज हेल्ड कांस्टेंट एट 300 किलो पास्कल प्रेशर जो है वो 300 किलो पास्कल मेंटेन किया है यहाँ पे और जो ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट लॉस ऑफ 60 किलो जूल अकर्स साथ साथ 60 किलो जूल एनर्जी जो है बाहर निकल रही है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाइड इन किलो वॉट आवर्स राइट Now we have piston cylinder device with जिसमें 15 kg air है temperature 25 degree Celsius to 77 degree Celsius आप ले जा रहे हैं right and the pressure is 300 kilopascals now what we need to do we need to find the air supply that's pretty simple सबसे पहले हम लेंगे table number A17 में this is a table where you can find enthalpies of air First of all, we will find H1, which is 298.118 kilo joules per kg at this temperature, and H2 at 350 Kelvin. ये यहाँ से निकला 77 convert करेंगे आप Kelvin में 350 Kelvin आएगा. Now ये H1 H2 निकालने से बाद आप energy balance equation लगा देते हैं. आप और करेंगे energy balance किस तरह निकल रही है आपके पास कि क्यों work in हो रहा है, work out कुछ energy का loss हो रहा है. और कुछ बाउंड्री वर्क हो रहा है बट पता है हमें कि डी डेल्टा वी जो है या डेल्टा यू साथ ऐड करते हैं तो दिस विल बिकम एंथैल्पी इफ यू रिमेंबर एच यू प्लस पी वी राइट सो यू डेल्टा बाउंड्री वर्क और डेल्टा यू जब ऐड होगा बाउंड्री वर्क बेसिकली पी डेल्टा वी होता है और डेल्टा यू बराबर होता है यू टू माइनस यू वन के तो यू टू माइनस यू वन और पी डेल्टा वी ऐड करेंगे तो यू विल गेट द एंथैल्पी राइट सो दिस एक एनर्जी बैलेंस इक्वेशन बिकम्स This which means that the amount of heat electric energy supplied to the piston cylinder device is equals to the enthalpy change plus the amount of energy lost right so that's pretty simple work in W energy electric energy in the form of electric work kis tarah niklega mass 15 kg pata hai aapko H2 aap already nikal chuke hain from the table number A17 this is page number 936 or you can find it from the प्रॉपर्टी टेबल जो मैंने आपको एलएमएस पे अपलोड किए थे यहाँ से आपने H2 निकाला H1 रिप्लेस किया प्लस 60 यू गॉट 845 किलो जूल्स बट द यूजुअली व्हाट हैपेंस हम जब इलेक्ट्रिक सप्लाई को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी तो हम ऑल द किलो जूल इज अ परफेक्ट इट्स एन एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी हम आमतौर पर किलोवाट आवर्स में लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी को राइट सो बहुत आसान सी बात है हम क्या कर सकते हैं कि दिस सिंपली डिवाइड कर दें इसको 3600 से यू विल गेट किलोवाट आवर राइट सो दिस इज हाउ दिस इज अ सिंपल न्यूमेरिकल
फर्स्ट कीप वन थिंग इन माइंड, वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग क्लोज सिस्टम जिसमें आपके पास मास इनलेट मास आउटलेट नहीं हो रहा, तो देयर इज ओनली अ ट्रांसफर ऑफ वर्क एंड एनर्जी. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द अनदर न्यूमेरिकल, एन इंसुलेटेड टैंक इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय अ पार्टीशन. एक इंसुलेटेड टैंक है जिसके अंदर दो पार्टीशन है. वन पार्ट ऑफ द टैंक कंटेन्स 2.5 केजी ऑफ कंप्रेस्ड लिक्विड. कंप्रेस्ड लिक्विड है, इट मींस नाउ वी हैव वी विल बी डीलिंग विद द टेबल A5 to A6. 2.5 केजी मास है किस कंप्रेस लिक्विड का, और वाटर जो है वो 60 डिग्री सेल्सियस और 600 किलो पास्कल पर है. नाउ इंटरेस्टिंगली आपके पास 60 डिग्री सेल्सियस और 600 किलो पास्कल से बात जाहिर हो रही है कि जब आपके पास यूजुअली जब प्रेशर 100 किलो पास्कल होता है जो कि एटमॉस्फेयर होता है, तो वहाँ पर बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, विच मीन्स अगर 600 किलो पास्कल विच इज सिक्स टाइम्स हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो द बॉइलिंग टेम्परेचर विल बी क्वाइट हाई, बट हेयर इट्स 60 डिग्री सेल्सियस, दैट्स व्हाई इट्स इन कंप्रेस्ड लिक्विड स्टेट. तो यहाँ से भी ये बात जाहिर हो रही है कि कंप्रेस्ड लिक्विड क्यों है, बिकॉज प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और टेम्परेचर काफ़ी कम है. वाइल द अदर पार्ट इज इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड मतलब कि अच्छा पार्ट जो है उसमें कोई एयर मौजूद नहीं है, कुछ भी नहीं है, द पार्टीशन इज नाउ रिमूव. पार्टीशन हटाया तो क्या हुआ, द वाटर एक्सपेंड्स, वाटर एक्सपेंड करेगा क्योंकि इवैक्यूएटेड पार्ट के अंदर कोई एयर मौजूद नहीं थी, देयर नेगेटिव प्रेशर, प्रेशर कम था. टू फिल द एंटायर टैंक, डिटरमाइन द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक फॉर अ फाइनल प्रेशर ऑफ 110 किलो पास्कल. सिंस वाटर एक्सपेंडेड टू टेक द एंटायर टू फिल द एंटायर टैंक, द प्रेशर विल ड्रॉप. अब हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है और वॉल्यूम निकालना है, तो एंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक, द फाइनल प्रेशर जो है वो 10 किलो पास्कल जाए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा निकल देखेंगे, T1 60 डिग्री सेल्सियस है, T1 बराबर है 600 किलो पास्कल के, P2 बराबर है 10 किलो पास्कल के. हमें निकालना क्या है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द होल टैंक एंड द टोटल वॉल्यूम. नाउ इंटरेस्टिंगली डेल्टा ई इन माइनस ई आउट बराबर है डेल्टा ई ई सिस्टम के. सिंस देर इज आपके पास ई इन माइनस ई आउट डेल्टा ई चेंज इंसुलेटेड है, कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा, नब जा रही है एनर्जी बाहर निकल रही है, तो आपके पास U2 और U1 बराबर हो जाएंगे, राइट. तो इनिशियल स्टेट के ऊपर आपके पास जब प्रेशर 600 किलो पास्कल है और टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, तो यू कैन सिंपली गो टू द रेलेवेंट टेबल विच इज अ कंप्रेस लिक्विड टेबल, और अगर आपको कंप्रेस लिक्विड टेबल में वैल्यूज नहीं मिल रही विच इज A7, तो आप सिंपली A4 में जाएं. A4 में आप 60 डिग्री सेल्सियस और पर आप क्या निकाल लें, यू कैन सिंपली फाइंड V1 विच इज द VF एट 60 डिग्री सेल्सियस. ये इफ़ यू रिमेंबर हमने ये बात डिस्कस की थी कि अगर आपके पास कंप्रेस लिक्विड टेबल्स में वैल्यूज नहीं मौजूद, तो हम A4 या A5 में जाते हैं और वहाँ पे रेलिवेंट टेम्परेचर के अक्रॉस जो भी VF की वैल्यू है वो निकाल लेते हैं. नाउ VF की वैल्यू क्यों निकाली, बिकॉज VF की वैल्यू और जो कंप्रेस लिक्विड की वैल्यू होगी एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, देर इज वेरी स्लाइट डिफरेंस, वेरी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डिफरेंस. तो यहाँ पे हम 60 डिग्री सेल्सियस पर A4 में गए और हमने पहला जो इनिशियल स्पेसिफिक वॉल्यूम कंडीशन वो निकाल ली, तो हमने 60 डिग्री पर निकाला 0.001 मीटर क्यूब पर केजी. एंड सिमिलरली वी फाउंड अ U1 वैल्यू विच इज UF एट 60 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम A4 टेबल, राइट. नाउ आफ्टर द एक्सपेंशन, सिंस द टेम्परेचर विल ड्रॉप एंड वी अज्यूम द सिस्टम अंडरगोज इनटू अ सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर टेबल मिक्सचर, राइट. तो P2 बराबर है 10 किलो पास्कल के, आपने यहाँ से VF निकाला 10 किलो पास्कल, ये कहाँ से निकला आपने, ये दिस इज A5, और U2 और U1 बराबर है बिकॉज देर इज नो इट्स अ कम्प्लीटली इंसुलेटेड. तो आपके पास यहाँ पे जब U2 U1 बराबर है, तो UF की वैल्यू आपने 10 किलो पास्कल्स पर निकाली टेबल नंबर A5 से, UFG की वैल्यू 2245 ये भी सेम टेबल से निकाली. नाउ 10 किलो पास्कल पर जो T2 है वो 45.81 डिग्री सेल्सियस है, ये आपने निकाल लिया. एंड यहाँ से हम ये बात साबित कर रहे हैं कि X2 विच इज़ द क्वालिटी निकालने के लिए, बिकॉज हमें फाइनल वॉल्यूम निकालना है, U2 जो है वो आपने पीछे से निकाली हुई थी ये दिस वन, बिकॉज U1 U2 बराबर है. U2 निकाला आपने, UF आप इस स्टेप से निकाल चुके हैं दिस वन, एंड डिवाइड बाय द UFG विच इज़ कैलकुलेटेड फॉर्म टेबल नंबर A5, यहाँ से आपने X निकाल लिया. नाउ अब X2 को आप इस्तेमाल कर रहे हैं टू फाइंड द स्पेसिफिक वॉल्यूम. तो V2 निकालने के लिए आपने सिंपली VF रखा, X2 और VFG,
फॉर द फाइनल स्टेट, एंड फाइनल स्टेट के लिए जो वॉल्यूम टैंक है वो आपके पास 2.5 kg है, और आप आपने टोटल वॉल्यूम निकाल लिया 0.972 liter cube. नाउ आई विल रिपीट द होल क्वेश्चन अगेन बिकॉज इट्स इट हैज टू डिफरेंट स्टेट्स, वन स्टेट इज कंप्रेस्ड लिक्विड एंड अदर वन इज वंस द बैरियर और वंस द सेपरेटर इज रिमूव. तो सेपरेशन जब रिमूव किया तो क्या हुआ आपके पास, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल स्टेट थी जो कंप्रेस्ड लिक्विड स्टेट थी, और जब आपने स्टेट रिमूव किया तो बॉइलिंग स्टार्ट हुई बिकॉज प्रेशर काफ़ी ड्रॉप हुआ है. सो प्रेशर जब ड्रॉप हुआ है तो वी आर अज्यूमिंग दैट बॉइलिंग विल स्टार्ट, राइट, बट स्टिल वी डू नॉट नो द टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर. सो वी कैलकुलेटेड, वी अज्यूम दैट सिंस यू वन एंड यू टू आर इक्वल, जो फाइनल स्टेट का यू टू है और वो यू वन के बराबर ही है, बट 10 किलो पास्कल पर जो वी एफ की वैल्यू है या यू एफ की वैल्यू और यू जी वी जी की वैल्यू वो आपने निकाल ली बिकॉज हमें उसके लिए क्वालिटी निकालनी है. क्वालिटी की जरूरत क्यों महसूस हुई, बिकॉज हमें फाइनल वॉल्यूम निकालना था, एंड फॉर फाइनल वॉल्यूम वी नीड टू हैव द फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम विच इज कमिंग आउट टू बी 0.3886 मीटर क्यूब पर केजी. नाउ एंड बाई यूजिंग दिस फाइनल वॉल्यूम वी कैलकुलेटेड द टोटल वॉल्यूम ओवर द टाइम, बिकॉज टोटल वॉल्यूम टैंक जो है उसमें आपके पास यूनिट जो है मीटर क्यूब आएंगे, दैट इज कमिंग आउट टू बी 2.5 kg ऑफ द वाटर, बिकॉज एम जो है वो तो चेंज नहीं हो रहा और ये कैपिटल वी भी चेंज नहीं होगा. वॉट विल चेंज, ओनली दिस वी टू एंड वी वन विल चेंज. आई होप आपके सवाल क्लियर होगा. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द लाइव सेशन. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस मोर न्यूमेरिकल फ्रॉम द सेम टॉपिक इंशाल्लाह फ्रॉम द सेम चैप्टर. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.